हेलो नमस्कार, आज हम अरवी के पत्ते का सब्जी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके लिए पत्ता लेना है अरवी का, बेसन लेना है और चावल का आटा लेना है, हल्दी पाउडर लेना है, लाल मिर्च पाउडर लेना है, आवश्यकता अनुसार नमक लेना है और एक नींबू लेना है। तो हमें 2.5 चम्मच इसमें हमें बेसन लेना है और 2.5 चम्मच चावल का आटा भी लेना है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आवश्यकता अनुसार नमक और ये एक नींबू, इसका रस निचोड़ के इसमें हम डालेंगे और अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका अच्छा पेस्ट बनाएंगे। इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये पत्ते ले लिए हैं, पत्ते के उल्टे वाले भाग से हम सारे मसाले को इसमें बेसन को मिला के लगाएंगे इसको, और एक पत्ते पर एक पत्ता हम डाल डाल के इसी तरह से सारे बेसन का पेस्ट इसमें लगा कर तैयार करेंगे। हमें 5-6 पत्ते को इसी तरह से करके तैयार करके रोल कर देना है। ये देखिए, अब हम एक मग्गा पानी डाल दिए हैं, इसमें स्टैंड डाल दिए हैं और इसके ऊपर हम अरवी के पत्ते को जो फोल्ड किए थे इसको डालकर 1-2 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए, ये चाकू लगा के देखिए अच्छे तरीके से पक चुका है। इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब हम बेसन लेंगे तीन चम्मच बेसन है और 2 चम्मच हमें चावल का आटा, आवश्यकता अनुसार नमक, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर और 1/2 चम्मच हमें हल्दी पाउडर लेना है। सबको डालकर अच्छे तरीके से इसका पेस्ट तैयार कर लिए हैं। इसके पीसेज हमें काटने हैं। सरसों दाना लेना है 4 चम्मच, लहसुन 7-8 लहसुन लेनी है, 1 प्याज और जीरा 1 चम्मच जीरा। इस सारे चीज़ का हम पेस्ट बनाएंगे। एक मिक्सी जार लेंगे, इसमें जीरा रखेंगे, लहसुन डालेंगे, सरसों का दाना और प्याज डालकर अच्छे तरीके से पेस्ट हमें तैयार करना है। इस तरीके से पेस्ट देखिए, अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिए और हम सारे पकौड़ों को बेसन लगा कर इस तरह से फ्राई करेंगे। देखिए, मैं इसको पलट दी हूँ। लो से मीडियम फ्लेम पर ही पकाइएगा। पकौड़ा हमारा तैयार हो चुका है और इसी तरह से हम सारे पकौड़ों को तल लेंगे। 1/2 चम्मच हमें सरसों का दाना चाहिए। ये देखिए, पकौड़ा सब तैयार कर लिए हैं और ये सारे मसाला जो हमें पीस कर तैयार करके रखे थे उसको से डाल के इसे अच्छी तरह से हमें पकाना है। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसको लगातार भूजते रहेंगे। इसे लो से मीडियम फ्लेम पर ही पकाइएगा मसाले को, नहीं तो मसाला जल जाएगा। देखिए, मसाला रेडी हो चुका है। ये नींबू का रस है, 1 नींबू का रस हम लिए हैं, इसमें डाल दिए और हम पानी डालकर इसे उबाल आने तक इसे पकाना है। इसे उबाल आने तक पकाना है। देखिए, उबाल आ चुका है। अब इसमें हम अरवी के जो पकौड़े तैयार किए हैं इसमें हम डालते चले जाएंगे और 1-2 मिनट हमें पकाना है। ये हमारा अरवी का पकौड़े का सब्जी तैयार हो चुका है। हमें अब गैस को हम बंद करेंगे। अब दूसरे बर्तन में इसे हम निकालेंगे। देखिए, मछली की तरह लग रहा है एकदम। इसे आप चावल, मक्के की रोटी, गेहूं की रोटी, चावल की रोटी किसी के साथ आप खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगता है। अब बनाना भी बहुत ही आसान है, तो आप भी बनाइए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कमेंट देना मत भूलें, बेल आइकन दबाना भी मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको हमारे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।